भैया देश की तरक्की में कांग्रेस का योगदान बहुत पुराना है। मसलन आर्यभट्ट ने देश को शून्य दिया, कपिल सिब्बल ने घोटालों में जीरो लॉस दिया, धोनी ने देश को हेलीकॉप्टर शॉट दिया तो कांग्रेस ने देश को हेलीकॉप्टर घोटाला दिया, कपिल शर्मा ने देश को बाबा जी का ठुल्लू दिया और कांग्रेस पार्टी ने कपिल शर्मा से भी बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन दिया। यहां तक तो ठीक था, मगर इसके अलावा कांग्रेस ने देश को कुछ ऐसा भी दिया है जिस पर आज भी उससे सवाल पूछे जाते हैं। क्या है वो, आज हम उसी पे बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। भोपाल से दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और अब बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को उनके सामने खड़ा कर दिया है। एक शख्स जिसने हिंदू आतंकवाद शब्द को जन्म दिया और दूसरा जिस पर हिंदू आतंकवादी होने का इल्जाम लगा। कांग्रेस पार्टी इस बात को मुद्दा बना रही है कि बीजेपी आतंकी हमलों की आरोपी को उम्मीदवार कैसे बना सकती है, और बीजेपी का कहना है कि जब आज तक अदालत में कोई आरोप साबित ही नहीं हुआ तो साध्वी प्रज्ञा आरोपी कैसे हो गई। अगर आरोप लगाने से कोई दोषी साबित हो जाता है तो देश भर की अदालतों में ताले लगाकर उसमें मैरिज हॉल खोल देने चाहिए, जजों से उनके हथौड़े लेकर उससे चाय के लिए अदरक कूटने का काम ले लो। अरे यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी चुनावी सभा में इसी बात को मुद्दा बनाते आए हैं। देखिए, इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। फनतंत्र में हमारा आज का मुद्दा भी यही है, क्या वाकई हिंदू आतंकवादी जैसी कोई चीज थी या फिर किसी पार्टी विशेष की साजिश थी। चलो शुरू करते हैं। बॉस, अगर पिछले 15 सालों में आप मुड़ कर देखें तो पाएंगे कि मालेगांव से लेकर मक्का मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस से लेकर अजमेर बम धमाकों तक जिन जिन लोगों को हिंदू आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार किया गया उनमें से लगभग सभी बाद में अदालत से या तो बरी हो गए या आज तक दोषी साबित नहीं हुए। ऐसे में यह सवाल है कि क्या किसी पार्टी ने जानबूझकर हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने के लिए जांच एजेंसियों से इन लोगों की गिरफ्तारियां करवाई? नैरेटिव सेट हो गया है। आपको याद होगा कि साल 2009 में राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत टिमोथी रॉयमर से कहा था कि भारत को इस्लामिक आतंकवाद से ज्यादा खतरा हिंदू आतंकवाद, और यह बात उन्हें किसने बताई ये आज भी उनके बैंकॉक दौरों की तरह गुप्त है। अब ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि इधर राहुल गांधी ने हिंदू टेररिज्म की बात की और उसके बाद हर बड़ा कांग्रेसी नेता हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करने लगा। साल 2013 में उस टाइम के देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब ने काय बोला होता तुम्हारा माहित का, सॉरी मराठी निकल गया, उन्होंने क्या बोला था मालूम है आपको? बीजेपी और संघ वाले आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, और यहीं पर सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद का जिक्र किया था। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। खैर, गलती कांग्रेस के नेताओं की भी नहीं है। अगर राहुल गांधी ये भी कह देते कि देश को सबसे ज्यादा खतरा टिंडे की सब्जी से है तो ये चंपू टिंडे के खेतों पर ट्रैक्टर भी चलवा देते। शिंदे ने हिंदू आतंकवाद की बात की और यही वक्त था कि जब पीसी यहाँ पीसी मतलब पी चिदम्बरम, उन्होंने भी बार बार हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। और दिग्विजय सिंह के उस बेशरम बयान को कौन भुला सकता है जब उन्होंने बिना किसी सबूत के 26/11 के मुंबई हमलों को आरएसएस की साजिश बता दिया था। हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी नाथूराम गोडसे आरएसएस में रहे हैं। मगर बाद में क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मक्का मस्जिद धमाके में स्वामी असीमानंद रिहा हो गए, सुनील जोशी हत्याकांड में साध्वी प्रज्ञा भी निर्दोष साबित हुई, और 26/11 का मुंबई हमला किसने करवाया, असली गुनहगार कौन था, आज ये पूरी दुनिया के सामने। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पार्टी एक पूरी कौम को ही आतंकी घोषित करने की कोशिश करे। इस पर कुछ लोगों का कहना है कि क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है, हिंदी सीरियल में भी घर की मालकिन बनने के लिए जब बहू अपनी सास के खिलाफ साजिश कर सकती है, सास बेटे को काबू करने के लिए उसे बहू के खिलाफ भड़का सकती है, ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए एक बंदा अपनी ही कलीग के खिलाफ साजिश कर सकता है, तो देश की सत्ता पाने के लिए एक पार्टी एक कौम के खिलाफ साजिश क्यों नहीं रच सकती? बिल्कुल रच सकती है। वैसे भी ये वो देश है जहां लोग अपना रुमाल रख के बस की सीट रोक लेते हैं, हम तो फिर भी सत्ता की कुर्सी की बात कर रहे हैं, क्यों? और बात सिर्फ हिंदुओं को आतंकी घोषित करने की नहीं है, कांग्रेस और यूपी के नेताओं ने तो लगातार ये साबित करने की भी कोशिश करी है कि एक खास धर्म के लोग आतंकवादी नहीं होते। भैया, हम हूं मानते हैं कि आतंकवादी का कौनो धर्म नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर किसी हमले में किसी धर्म विशेष के लोगों का हाथ हो तब भी आप उन्हें बेकसूर साबित करने के लिए झूठ बोलने लगेंगे। काश हर किसी को ऐसा चाहने वाला मिले जो उसकी गलतियों के बावजूद उसे मासूम साबित करने पर तुला रहे। यहां तो साला सीरियल में कोई रैंडम पति जोर से बोल रहा हो तो मेरी बीवी मुझे घूर कर देखने लगती है।
ये मेरी क्या गलती है? ऐसा जैसे कि वो बंदा मेरे ऑफिस में काम करता और उसकी बदतमीजी के लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि आतंकियों को बेगुनाह साबित करने के लिए ऐसे झूठ बोले जाते रहे हैं। और आपको याद होगा कि दिल्ली में हुआ था 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर। दिग्विजय सिंह ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उल्टे दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगा दिया। सलमान खुर्शीद ने तो यहां तक कह दिया था कि सोनिया गांधी जी एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर रो पड़ी थी। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी, सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। अब आप देखिए, आतंकवादियों के साथ जिस मुठभेड़ में हमने अपना एक इंस्पेक्टर खो दिया था, अपनी सांप्रदायिक राजनीति के लिए कांग्रेस नेता उसी एनकाउंटर को फर्जी बता रहे थे, अपनी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और अपने इंस्पेक्टर की शहादत को बदनाम कर रहे थे। नहीं बाबा, अच्छी बात नहीं। इसी तरह की घटिया राजनीति कांग्रेसी नेताओं ने इशरत जहां केस में भी की थी। 3 साल पहले गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी ने यह खुलासा करते हुए पूरे देश को हिला दिया था कि किस तरह उस वक्त के गृह मंत्री पीसी, फिर से तो ये फोटो लगा रहा, पीसी मतलब पी चिदम्बरम, ने उन पर दबाव डाला था कि वो इशरत जहां को आतंकवादी न बताए। अरे आपको तो यह भी याद होगा कि यूपीए के भक्त जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे तो किस तरह से यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि गोधरा में जिस गाड़ी के कोच में 59 कार सेवकों की मौत हुई थी वो किसी की साजिश नहीं बल्कि एक हादसा था। अरे आप खुद ही सोचिए, आखिर क्या वजह थी कि चाहे बटला हाउस एनकाउंटर हो, इशरत जहां एनकाउंटर हो या गोधरा कांड हो, कांग्रेस लगातार एक खास वर्ग को बचाने की कोशिश काय को करती रही है, काय को, वो भी तब जब उसे पता था कि असली दोषी कौन है। क्या सिर्फ इसलिए कि ऐसा करके वो उस खास वर्ग को खुश कर पाएगी? कम ऑन, अगर ऐसा नहीं था तो सलमान खुर्शीद को क्या जरूरत पड़ी कि ये बोलने की कि सोनिया जी बटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर रो पड़ी थी। ऐसा बोलकर वो किसकी हमदर्दी लेना चाह रहे थे बाबा? आखिर क्या वजह थी कि बिना कुछ जाने दिग्विजय सिंह ने मुंबई हमले को संघ की साजिश बता दिया था? ऐसा करके वो किसको फंसाने की कोशिश कर रहे थे? और आखिर क्या वजह थी कि 2000 के दशक में जब दिल्ली से लेकर मुंबई तक, अहमदाबाद से लेकर सूरत तक एक खास वर्ग की तरफ से आतंकी हमले किए जा रहे थे तब भी रागा बाबा हिंदू आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बता रहे थे? क्यों क्यों एक वर्ग को दोषी होने पर भी हमेशा बचाने की कोशिश की जा रही और दूसरे को दोषी न होने पर भी आतंकी घोषित करने की? अब कहा क्या जाए भाई, मैंने तो कुछ नहीं बोला, बस आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे। आप इतने बुद्धिमान हैं कि फैक्ट्स देखकर ही कुछ ओपिनियन बनाएंगे, मेरे बोलने पे थोड़ी जाएंगे। और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा वरना मैं आपको आतंकी घोषित कर दूंगा। और आप आतंकी हैं या नहीं है इसकी जांच दिग्विजय सिंह से करवाऊंगा। बाकी आप समझदार हैं, इशारा काफी है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए बिना आप कहीं नहीं जा सकते। अगला वीडियो जल्दी आएगा। नमस्कार, आई लव यू। जय हिंद।